जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये वाली मछली, ये क्या हो जाएगी बाहर निकाल देंगे तो मर जाएगी। ओके और हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? ओके हेलो, मैं हूं डॉक्टर अव्येक्त अग्रवाल। मैं एक सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ एवं एलर्जी विशेषज्ञ हूं। यदि आप अभिभावक हैं, अभी आपके पास छोटे बच्चे हैं आपके, या आप बच्चे को प्लान करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है जीवन भर। यदि आप नहीं हैं तो अपने किसी परिजन को ये वीडियो शेयर कीजिए, गिफ्ट दीजिए उनको। बात यह है कि प्रश्न ये है, मेरे पास बहुत लोग क्लिनिक पर आते हैं कि पढ़ाई में बच्चा अच्छा नहीं है, या उतना बुद्धिमान नहीं, उतना याद नहीं होता है, इस तरह की शिकायतें लेकर, या इसको मैथ समझ नहीं आता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम बच्चों के ब्रेन को ज्यादा तेज बना सकते हैं या उनको बुद्धिमान बना सकते हैं? तो यस, मैं कहूंगा इसका उत्तर हाँ है। और यदि आप न्यूली मैरिड हैं तब तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि बुद्धिमत्ता की शुरुआत गर्भावस्था के दौरान से हो जाती है, और उसके लिए सबसे जरूरी है मां को समुचित न्यूट्रिशन देना, अच्छा संतुलित आहार देना, जिसमें कि आयरन फोलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसी वजह से आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स गवर्नमेंट सेटअप हो या स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो लोग सप्लीमेंट करती हैं मदर्स को। मां के ब्लड में आयरन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन को शिशु के ब्रेन को विकसित करने वाला एक मिनरल है, बहुत जरूरी है ये ब्रेन के विकास के लिए। ठीक है, तो आयरन और फोलिक एसिड दोनों जरूरी हैं। आयरन माँ को सप्लीमेंट किया जा सकता है, या आयरन रिच फूड बहुत सारे खिलाए जा सकते हैं इवन प्रेगनेंसी के पहले से। और भारत में 70% महिलाएं लगभग एनीमिक हो सकती हैं या हैं। इसके बाद शुरुआत होती है बर्थ के बाद। बर्थ के बाद जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं, बर्थ के बाद एक घंटे के अंदर मां के दूध से लेकर 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मां का दूध, ये कहलाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उन बच्चों को बहुत अच्छी मात्रा में ब्रेन के विकास के तत्व जैसे DHA वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए मां का दूध बेहद अच्छा है ब्रेन के विकास के लिए। किसी वजह से भी मां का दूध नहीं मिल पा रहा है शिशु को, तो अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से बात करें, जिससे कि वह ब्रेन विकास वाले फॉर्मूला मिल्क शिशु को एडवाइस कर सके। फिर इसके बाद आता है शिशु को भी आयरन सप्लीमेंट करना। शिशु के ब्लड में आयरन कम नहीं होना चाहिए, एनीमिक नहीं होना चाहिए, इससे भी उसके ब्रेन डेवलपमेंट, खासकर फर्स्ट 2 ईयर्स में हमारा 90% करीब जो ब्रेन का हार्डवेयर है वो विकसित हो जाता है, और उसके बाद 2 to 5 ईयर्स के बीच में रिमेनिंग 5-6% होता है, और फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ होता है। तो ये शुरुआत के 5 साल हमें बच्चे के ब्रेन विकास में बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है, जिसके लिए संतुलित आहार और आयरन कम नहीं होना चाहिए ब्लड में बुद्धिमत्ता विकास के लिए। साथ ही साथ में कुछ तत्व जैसे कि DHA, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ब्रेन के विकास के लिए। तो शिशु रोग विशेषज्ञ से बात करके आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त माहौल, शिशु को या बच्चे को अच्छा माहौल, यदि मानसिक तनाव जिस माहौल में ना हो वो मिले, तब भी ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है, तो ये भी ध्यान रखें। उसकी नींद अच्छी हो, ये ध्यान रखें। तो नींद अच्छी होने के लिए एक्सरसाइज, यदि दौड़ना खेलना एक्टिविटी होगी तो खुद ब खुद उसका ब्रेन का विकास अच्छा होगा। कई पेरेंट्स बच्चों का खेलने का समय बहुत कम निकलवाते हैं और बहुत सारी पढ़ाई में लगा देते हैं बहुत अर्ली एज से, लेकिन ये उसको उस वक्त तो शायद इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे ब्रेन में, लेकिन जो ब्रेन का स्ट्रक्चरल विकास है, भीतरी आंतरिक विकास है, वह अवरुद्ध होगा। इसलिए बच्चों को बहुत खेलने दें, आउटडोर एक्टिविटीज, मिट्टी में खेलना, तितलियां देखना, चिड़िया देखना, चांद तारे कभी छत पर जाकर देखना, इस तरह के जो नेचुरल जो चीजें हैं वो करने से ब्रेन का विकास होता है। फिर बात आती है बहुत महत्वपूर्ण, जो आजकल खोती जा रही है, वह है नानी दादी की कहानियां। नानी दादी की कहानियां, सही परिवार नहीं रह गए हैं और नानी दादी भी आजकल मोबाइल में या फिर टीवी पर लगी रहती हैं, तो बच्चों को कहानी सुनाने वाला कोई भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी ने जो मुझे कहानियां सुनाई मेरे बचपन में, वो मेरे मस्तिष्क पर उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। और ये जो ग्रोइंग मस्तिष्क होता है, जो गीली मिट्टी सा होता है, उसको शेप दिया जा सकता है। तो आप प्रेरक कहानियां सुनाएं एंटरटेनिंग वे में, मनोरंजक तरीके से,
माँ बाप सुना सकते हैं, दादा दादी सुना सकते हैं, नाना नानी सुना सकते हैं, जो भी है रात को सोते समय उनको एक कहानी सुनाइए। कभी कभार अपने अपने मन से भी कहानी बना सकते हैं, यदि आपको नहीं आती है तो कुछ किताब ले सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, इस तरह से उनको कहानियां सुनाइए, लेकिन खुद सुनाइए, तो उससे आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और बच्चे की इमेजिनेशन खुलता है। जितनी बेहतर कहानियां वो सुनेगा उतना ज्यादा वो उसका ब्रेन इमेजिनेटिव होगा। साथ ही साथ में कुछ अच्छी पजल्स जो होती हैं, जो एज अप्रोप्रिएट पजल, मतलब हर एज के लिए अलग टाइप की पजल होंगी ना, वो आप किसी खिलौने की दुकान से ले सकते हैं, जिससे कि उसका थ्री डायमेंशनल माइंड, स्ट्रक्चरल माइंड बच्चे का बेटर होता है। थोड़ा बड़ा होगा जब बच्चा, जैसे 6 साल के ऊपर का होगा, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि चेस जैसा एक गेम उसको जरूर सिखाएं। चेस बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। आप देखें तो बहुत सारे सफल लोग ये बोलते हैं कि चेस खेलना चाहिए या चेस खेल, संदीप माहेश्वरी बोलते हैं, जो यूट्यूब पर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इतने बेहतरीन मोटिवेटर हैं, जिनके वीडियोस आप लोग लाखों की संख्या में सुनते हैं, वो बचपन में काफी चेस खेला करते थे। शाहरुख खान के पापा उनको सिखाते थे कि चेस बहुत ही अच्छा गेम है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो चेस को बोलते हैं कि काफी अच्छा गेम है, ये जीवन को सिखाता है। तो चेस जो है वो बहुत सारी एनालिसिस सिखाता है और टीम में काम करने का एक जज्बा सिखाता है, क्योंकि जब सारे मोहरे टीम में की तरह वर्क कर रहे होते हैं और आगे की हम आज जो कर रहे हैं उससे 4-5 कदम आगे का हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में सोच सकें, एल्गोरिथमिक माइंड को डेवलप करता है चेस, और साथ में मनोरंजक भी होता है। तो चेस जैसा कोई एक गेम उनको सिखाएं या और खेलने दें, और क्या पता आपका बच्चा बहुत आगे चले जाए, विश्वनाथन आनंद बन जाए या प्रगनंदा बन जाए समय का, या निहाल सरीन बन जाए, है ना, जो हमारे इंडिया का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि बच्चों के ब्रेन को एक्सरसाइज, चेस, पजल्स, स्टोरीज, आयरन, सही न्यूट्रिशन, गर्भावस्था से सही शुरुआत, ये सबसे आप बच्चे का IQ प्लान कर सकते हैं और उसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, साइंटिफिक वे में।